महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर फैला सातपुड़ा पर्वत का घना जंगल, और इस नयन रम्य घने जंगलों के बीच बसा है जैन तीर्थक्षेत्र मुक्तागिरी। पहाड़ों का सीना चीर कर बनाए गए प्राचीन पावन मंदिरों से पावन पुण्य भूमि मुक्तागिरी। इस पावन स्थली से 3.5 कोटि मुनि मोक्ष को गए। एक अलौकिक अनुपम सौंदर्य वह पवित्र स्थल, जहां 24 तीर्थंकरों की सैकड़ों साल पुरानी मनोहारी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान है। इसीलिए कहा गया है, अचलापुर की दिशा ईशान, जहां मेंढगिरी नाम प्रधान, 3.5 कोटि मुनिराय, तिनके चरण नमूचित लाए। ऐसा पवित्र पावन स्थल पुण्य भूमि मुक्तागिरी। साल 1980, आज मुक्तागिरी में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। आज यहां के पेड़ पौधे पत्थर झरने अत्यंत प्रफुल्लित लग रहे हैं। हर कोई आज के इन महान पलों का साक्षी होना चाहता है, इसलिए सुबह से बारिश के साथ साथ चंदन की भी वर्षा हो रही है। अमूमन वर्ष में 4 ऋतु होते हैं, पतझड़, सावन, वसंत, बहार, पर आज मुक्तागिरी में 5वां मौसम छाने वाला है गुरु दर्शन का। आज के युग के भगवान परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर महाराज जी के करकमलों से मुक्तागिरी की पुण्य भूमि और पावन होने जा रही है। कुछ समय पहले जब यहां के स्थानिक लोगों को ये शुभवार्ता पता चली कि गुरुवार मुक्तागिरी आने वाले हैं, तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं। पर जल्द ही उन्हें अपने दायित्व का एहसास होने लगा। गुरुवर पधारेंगे तो उनके दर्शन को भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। पूरे चातुर्मास में मुक्तागिरी को मानो किसी मेले का स्वरूप प्राप्त होगा। इतने लोगों की व्यवस्था होगी कैसे? उस वक्त तक मुक्तागिरी जी में रहने के नाम पर टीम के शेड हुआ करते थे। पानी की असुविधा, सबसे प्रमुख अड़चन इलेक्ट्रिसिटी का ना होना। पर जहां आचार्य श्री के पावन कदम पड़ते हैं, वहां की समस्याएं चुटकी में सुलझ जाती है। ১৯৮০ में आचार्य श्री का आगमन हुआ और मुक्तागिरी के कायापलट की गाथा लिखी जाने लगी। मुक्तागिरी पहुंचने पर आचार्य श्री ने महावीर निर्वाण के दिन तक इलेक्ट्रिसिटी आने की इच्छा जताई। कार्य असंभव था, पर देखते ही देखते गुरुवर की इच्छा आदेश में बदल गई। संस्थान के पदाधिकारियों ने सरकारी महकमे में प्रयत्न शुरू किए और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग रात दिन काम में जुट गए। आचार्य श्री के आशीर्वाद से इतने कम समय में असंभव सा लगने वाला कार्य का चक्र तेजी से घूमने लगा और महावीर निर्वाण के दिन सूरज निकलने से पहले मुक्तागिरी प्रकाशमान हो उठी। ये आचार्य श्री के वचनों का कमाल था। वर्ष 1980, 1990, वर्ष 1991 का ग्रीष्मकाल एवं चातुर्मास में भी यही कक्ष आचार्य श्री के वास्तव्य का साक्षी बना, और इसीलिए ये कक्ष हम सभी के लिए तपस्थली बन गया है। इसी कक्ष में आचार्य श्री ने आत्मानुशासन ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। आचार्य श्री ने नर्मदा का नरम कंकर
ये कविता संग्रह 1980 के अपने वास्तव्य के दौरान इसी कक्ष में लिखा। जैसे दीपक स्वयं को जलाकर प्रकाश देता है, वैसे ही आचार्य श्री हमेशा अपने कार्य से हम सबके प्रेरणा स्रोत्र बनते आए हैं। आचार्य श्री ने नियम लिया था कि वो हर 2 महीनों में केशलोच करेंगे। यहां के वास्तव्य के दौरान उनके परीक्षा की घड़ी उत्पन्न हो गई थी। जब 2 महीने पूर्ण होने पर केशलोच के दिन आचार्य श्री को 105 डिग्री बुखार था। सबको लगा कि इस परिस्थिति में आचार्य श्री का केशलोच करना उचित नहीं होगा। सब लोगों ने उन्हें रोकने की भरकस कोशिश की, परंतु अपने नियमों पर अड़िग गुरुवर ने केशलोच कर स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आचार्य श्री से प्रभावित होकर कई उच्च शिक्षित युवा संसार का मोह त्याग कर दीक्षा लेकर संघ में सम्मिलित होने लगे। इसकी मुख्य वजह थी आचार्य श्री का जीवन सफर। 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक बेलगाम के सतलगा ग्राम में श्री मल्लप्पा जी अष्टगे के घर विद्याधर का जन्म हुआ। 9 वर्ष की आयु में शांति सागर महाराज जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर विद्याधर ने परम पूज्य मुनि समंत भद्र मुनि जी की प्रेरणा से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। 1967 में आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के पास जयपुर पहुंचकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। फिर एक दिन आचार्य देशभूषण जी से आशीर्वाद लेकर राजस्थान स्थित किशनगढ़ में विराजित गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में पहुंचकर 1 वर्ष कठोर तपस्या की। 30 जून 1968 को सिर्फ 22 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ग्रहण की और 22 नवंबर 1972 को आचार्य पद। आचार्य श्री के मुक्तागिरी निवास के दौरान कई लोग संसारी मायाजाल को त्याग कर धर्म और मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े। आचार्य श्री के 1980 के चातुर्मास के दौरान समता सागर महाराज जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, तो 1990 में शाश्वतमती माता जी ने, 1991 में 7 शुल्लक जी एवं 8 ऐलक जी की दीक्षाएं हुई, तो 1998 में 9 मुनि दीक्षाएं हुई। प्रथम शुल्लिका आत्मश्री माता जी की दीक्षा एवं पूज्य सागर महाराज जी की ब्रह्मचर्य दीक्षा भी यही संपन्न हुई। महाराज जी के 1990 के चातुर्मास के दौरान मूल नायक पार्श्वनाथ जी व भगवान पद्म प्रभु जी की मूर्तियों का वज्रलेप किया गया और 26, 48, 49, 50 नंबर की मंदिरों का संपूर्ण जीर्णोद्धार संपन्न हुआ। उसी दौरान 3 दिवसीय लघु पंच कल्याणक भी गुरुवर के सानिध्य में संपन्न हुआ। गुरुवर के 1990 के चातुर्मास काल में भव्य विद्यासागर प्रवचन हॉल की निर्मिति की गई। ऐसे आज के तीर्थंकर आचार्य श्री विद्यासागर जी के पदकमलों के पढ़ने के बाद मुक्तागिरी का चौमुखी विकास होने लगा। आज मुक्तागिरी हर तरह की सुविधा से सज्ज है और एक बार फिर से आचार्य के पदकमल इस पावन स्थली में पड़े इस इंतजार में है।